सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय ऊंचगांव, विकास क्षेत्र काशी विद्यापीठ, जनपद वाराणसी। आज आपके समक्ष शून्य निवेश नवाचार के तहत एक लेखन कार्य पुस्तिका निर्माण की विधि का वर्णन करने जा रही हूँ। जैसा कि आप हम सभी शिक्षक लोग जानते हैं कि हमारे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे कमज़ोर आर्थिक स्थिति के होते हैं। उनके पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तरह महंगी एवं अच्छे पन्नों वाली लेखन कार्य पुस्तिकाएँ नहीं होती, जिस पर सुंदर अक्षर छपे होते हैं और वे बार बार उन अक्षरों का अनुकरण कर उसको लिखते हैं तो उनका लेखन काफ़ी सुंदर हो जाता है। बार बार उसको इमिटेट करते हैं उन अक्षरों को। और हमारे यहाँ तो बच्चों को बार बार कार्य पुस्तिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं स्पेशली जो है क्लास वन की बात कर रही हूँ, ये स्पेशली क्लास वन के लिए ही है। तो मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कैसे बच्चों को एक सुंदर राइटिंग लिखना सिखाया जाए, क्या किया जाए उसके लिए। तो मैंने कार्य पुस्तिका बनाने का तरीका सोचा जिसमें ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो और वो तैयार हो जाए। तो इसके लिए देखिए, मेरी वीडियो है, आप ध्यान से देखिए इसको। मैंने क्या किया कि मैंने ये सारे अक्षर खुद पेन से लिखे, स्वर है ये, मैंने सिर्फ स्वरों का ये भी आपके सामने दिखाया है। आप स्वर और पूरा व्यंजन भी बना सकते हैं, मैंने बनाया भी था। अ है तो मैंने पहले पूरा ऐसे अ लिखा और बहुत दबा के लिखी इसको, बहुत दबा के लिखी, एकदम प्रेस करके, इतना प्रेस रहे ये कि ये चीज़ जो है। और इसके फिर मैंने डॉट्स बना दिए ऐसे ऐसे, देखिए ये सारे मैंने ऐसे किए हुए हैं। और आप इसको ध्यान से देखिए, पीछे देखिए, ये देखिए, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो, कैमरा काफ़ी अच्छा है, तो ये छप गया है पीछे। तो बच्चा क्या करेगा कि वो भी फिर इसको अगेन इस पे ऐसे लिखेगा और प्रेस करके लिखेगा और डॉट्स को मिलाएगा। तो ये क्या होगा, ऐसे जब ये बच्चा करेगा तो ये जो चीज़ है ये फिर से पीछे रिवर्स छप जाएगी। आपको मैं डेमोंस्ट्रेशन दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये पीछे जो है, और आपको फिर से कैमरे में दिख रहा हो तो देखिए, थोड़ा प्रेस्ड करके फिर से बच्चा तो ऐसे बार बार फिर उसको प्रेस करके लिखेगा तो फिर इस नेक्स्ट पेज पे छप जाएगा। तो ये अपने आप एक इनविजिबल टाइप की, कैमरे में तो दिख भी रहा होगा या मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये चीज़ बच्चा फिर ऐसे करेगा तो ऐसे वो हर बार लिखता जाएगा और उसकी पीछे की वो वर्डिंग तैयार होती जाएगी इस तरह से। तो वो पूरे स्वर और व्यंजन, और मैंने बोला है बच्चों से कि तुम पहले डॉट्स को मिला लेना बेटा, पहले डॉट्स बनाना फिर उस पर कॉपी करना। तो ऐसे आप करेंगे तो आपके स्वर और व्यंजन क से ग तक की कार्य पुस्तिका बस एक पेज आपको बनाना है, बाकी बच्चा कॉपी करके खुद बना लेगा। और ये बच्चे 10 रुपये की, 5 रुपये कार्य चित्रकला की आती हैं कॉपियाँ, वो उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें।